हेलो गाइस वेलकम बैक टू ज्ञान वर्षा आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीक्वेंस होमोलॉजी सीक्वेंस सिमिलैरिटी एंड सीक्वेंस आइडेंटिटी के बारे में लास्ट के टू वीडियोस में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बायोलॉजिकल डेटा के बारे में अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आई बटन में आपको लिंक दे दूँ अदरवाइज इस वीडियो के एंड में आपको लिंक मिल जाएगा वहाँ से भी देख सकते हैं ये मेरी श्योरिटी है आज आपको इस वीडियो को पढ़ने के बाद सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे होमोलॉजी क्या होती है सिमिलरिटी क्या होती है आइडेंटिटी क्या होती है उसे कैसे कैलकुलेट करती हैं और इसके बाद हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे तो चलिए चलते हैं पहले हम लोग समझते हैं सीक्वेंस होमोलॉजी क्या होती है ठीक है सीक्वेंस होमोलॉजी और सीक्वेंस सिमिलरिटी में क्या डिफरेंस है देखिए यहां से सुनिएगा आपके कोई दो सीक्वेंस हैं ए सीक्वेंस एंड बी सीक्वेंस ठीक है ये क्या हुआ इनका एक कॉमन इवोल्यूशनरी ओरिजिन है और एक कॉमन इवोल्यूशनरी ओरिजिन से ये ऑरिजिनेट हुए हैं सीक्वेंस ए और सीक्वेंस बी कहाँ से ऑरिजिनेट हुए हैं किसी कॉमन इवोल्यूशनरी ओरिजिन है इनका वहाँ से ये क्या हुए हैं ओरिजिनेट हुए अब ध्यान से सुनेगा तो हम कहेंगे इन ए और बी सीक्वेंस में क्या है होमोलॉगस रिलेशनशिप है हम क्या कहेंगे इन ए और बी सीक्वेंस में क्या है होमोलोगस रिलेशनशिप ठीक है मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ ध्यान से सुनिएगा बहुत ईजी है आपके ए और बी सीक्वेंसेस हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट कहाँ से वो आए हैं आपके किसी कॉमन एवोल्यूशनरी ओरिजिन से आए हैं आप कहेंगे ए और जो बी सीक्वेंसेस हैं उनमें क्या है होमोलॉगस रिलेशनशिप है और कह सकते हैं आप वो क्या शेयर कर रहे हैं होमोलॉजी शेयर कर रहे हैं और शेयर होमोलॉजी ठीक है अब ध्यान से सुनिएगा कई बार लोग क्या करते हैं होमोलॉग होमोलॉजी को सिमिलैरिटी के साथ कंफ्यूज करते हैं एक सिमिलर टर्म होता है सीक्वेंस सिमिलैरिटी लोग इसको होमोलॉजी और सिमिलैरिटी को इस के थ्रू कंफ्यूज कर देते हैं तो ध्यान से सुनिए सिमिलैरिटी क्या होता है आई होप सो होमोलॉजी आपको समझ आएगा सिमिलैरिटी क्या होता है सिमिलैरिटी बेसिकली पहली बात आप परसेंटेज में बताते हैं सिमिलैरिटी आप किसमें बताएंगे परसेंटेज में सिमिलैरिटी क्या होता है कि जो आपके अलाइन रेसिड्यू हैं अगर वो सिमिलर हैं फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर तो रिपीट कर रही हूँ फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं आपकी जैसे कि साइज चार्ज हाइड्रोफोबिसिटी हाइड्रोफोबिसिटी ध्यान से सुनिएगा अगर मैं कह रही हूँ ल्यूसिन मेरा सिमिलर है आइसोल्यूसिन की क्या ये बात गलत होगी नहीं क्यों क्योंकि हाइड्रोफोबिसिटी प्रॉपर्टी जो फिज जो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ है ये बेसिस पे क्या हैं ये सिमिलर हैं क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ ल्यूसिन जो है एस्पार्टेट के सिमिलर है ये बिल्कुल नहीं क्यों क्योंकि फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज क्या है दोनों की अलग अलग है ल्यूसिन क्या है आपका नॉन पोलर है एस्पार्टेट क्या है आपका नेगेटिवली पोलर है। दोनों फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है अलग अलग तो सीक्वेंस क्या होती है कोई भी दो सीक्वेंसेस हैं, उनमें आप देखेंगे कि कितने परसेंटेज में जो अलाइंस रेसिड्यूज हैं सपोज कीजिए सपोज कीजिए ए जी बी एल एस डी ये एक सीक्वेंस है प्रोटीन का ठीक है अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है ये दूसरा सीक्वेंस है ए जी टी ई एल आई ठीक है ये दूसरा तो कितने परसेंटेज में कितने परसेंटेज में ये दोनों सीक्वेंसेस ये दोनों सीक्वेंसेस अलाइंड पहली बात तो ये दोनों सीक्वेंसेस अलाइन्ड है और कितने परसेंटेज में हैं ये लोग सिमिलर तो ये बताता है सीक्वेंस सिमिलरिटी को तो ध्यान सुनेगा ध्यान से सुनेगा मेरे इस स्टेटमेंट को ये क्या हो गया आपका एक ए सीक्वेंस और एक बी सीक्वेंस तो होमोलॉजी कभी भी आप परसेंटेज में डिफाइन नहीं कर सकते होमोलॉजी कैसा एक टर्म है होमोलॉजी आपका क्वालिटेटिव टर्म है क्या है क्वालिटेटिव वो क्वालिटी बताएगा लेकिन सिमिलैरिटी क्या है क्वांटिटेटिव टर्म है क्वांटिटेटिव अगेन आई एम रिपीटिंग मैं कभी ये नहीं कह सकती मेरे ए और बी सीक्वेंसेस फोर्टी परसेंट फोर्टी परसेंट होमोलॉगस हैं अगेन आई एम रिपीटिंग मैं कभी ये नहीं कह सकती कि मेरे ए और बी सीक्वेंसेस फोर्टी परसेंट होमोलॉगस है लेकिन मैं ये कह सकती हूँ मेरे ए और बी सीक्वेंस फोर्टी परसेंट सिमिलर हैं समझ आया डिफरेंस होमोलॉगस मैं बता सकती हूँ आइधर होमोलॉजी होगी या नहीं होगी

होमोलॉजी को कभी भी आप परसेंटेज में नहीं बता सकते वो एक क्वालिटेटिव टर्म है ठीक है अच्छा एक और टर्म आता है आपका वो आता है आइडेंटिटी ठीक है आइडेंटिटी बेसिकली क्या होता है जैसे कि आइडेंटिटी जैसे कि ए एंड ए दो सीक्वेंसेस हैं ध्यान तो से सुनेगा मेरी बात जैसे कि आपके दो सीक्वेंसेस हैं ठीक है तो ए एंड ए बिल्कुल एग्जैक्ट आइडेंटिकल अगर आपके रेसिड्यूज हैं तो आप क्या कहेंगे सीक्वेंस आइडेंटिटी सीक्वेंस आइडेंटिटी भी आप किस में बताते हैं परसेंटेज में बताते हैं किसमें बताते हैं परसेंटेज में सिमिलैरिटी एंड आइडेंटिटी आप किस में बताएंगे परसेंटेज में मैं क्वेश्चन कराऊंगी आपको उनसे और क्लियर होगा देखिए आइडेंटिटी और सिमिलैरिटी में क्या डिफरेंस है आइडेंटिटी मीन्स बिल्कुल एग्जैक्ट जैसा फर्स्ट अमाइनो एसिड सीक्वेंस है वैसा ही सेकेंड अमाइनो एसिड सीक्वेंस है देखिए ठीक है ये दोनों क्या है ए ए आइडेंटिकल जी जी आइडेंटिकल ठीक है और सिमिलैरिटी क्या होती है कि जैसे कि ल्यूसिन और आइसोल्यूसिन ये क्या है सिमिलर है बट आइडेंटिकल नहीं है ल्यूसिन आइसोल्यूसिन क्या है सिमिलर है बट आइडेंटिकल नहीं है ठीक है आई होप सो होमोलॉजी सिमिलैरिटी और आइडेंटिटी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा ये देखिए ये एक फॉर्मूला ये फॉर्मूला भी है ये सिमिलैरिटी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है जिसमें एल एस बता रहा है कि कितनी लेंथ है एल एस क्या बता रहा है नंबर ऑफ अलाइंड रेसिड्यू सिमिलर करेक्टरिस्टिक एल एस क्या बता रहा है कि कितने अलाइंस रेसिड्यूज हैं सिमिलर करेक्टरिस्टिक के और एल ए सिक्वेंस ए की लेंथ एल बी सिक्वेंस बी की लेंथ और इंटू हंड्रेड क्यों किया है हमने परसेंटेज के लिए बाय हंड्रेड क्यों किया है परसेंटेज के लिए अच्छा यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय टू क्यों किया है क्योंकि दो सीक्वेंसेस हैं हमारे एक ए सीक्वेंस है एक बी सीक्वेंस सीस मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड क्यों किया है क्योंकि हमें परसेंटेज में कैलकुलेट करनी है एल ए बता रहा है कि ए जो सीक्वेंस है उसकी लेंथ बी बता रहा है कि सीक्वेंस बी की लेंथ ठीक है एल एस बता रहे कि कितने अलाइंट रेसिड्यू मिले हैं मीन्स कितने ऐसे रेसिड्यूज हैं जिनकी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज सेम है वो एल एस हो गया इन द सेम वे आई के लिए फॉर्मूला है मीन्स आइडेंटिटी कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है आपका एल आई बताएगा कि कितने आइडेंटिकल रेसिड्यूज हैं टू अगेन हम क्योंकि टू हैं तो इसीलिए मल्टीप्लाई किया है से. LA, बताएगा आपको एल ए बताएगा कि लेंथ कितनी ए ए एम की एल बी बताएगा बी सीक्वेंस की लेंथ कितनी और मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड इसलिए किया क्योंकि हमें परसेंटेज में कैलकुलेट है ठीक है इतना पार्ट क्लियर होगा और अभी हो जाएगा आगे चल के जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अब देखिए ध्यान से सुनिएगा जैसे आपने होमोलॉगस समझा ठीक है होमोलॉग्स क्या होते हैं इस तरीके से दो टर्म और होते हैं एक होता है आपका पैरालॉगस और एक होता है ऑर्थोलॉगस बहुत इजी वे में आपको समझाती हूँ जैसे मैं समझा रही हूँ बस उसी वे में समझिएगा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात पैरालॉगस क्या होता है पैरालॉगस बेसिकली आप किस इवेंट को कहते हैं डुप्लीकेशन हुआ ठीक है डुप्लीकेशन एंड डाइवर्जेंस मैं भी समझाऊंगी इसका क्या मतलब है और ऑर्थोलॉगस आप किसको कहते हैं डुप्लीकेशन हुआ एंड स्पीसीशन हो गया क्या इवेंट हुआ स्पीसीशन का अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात देखिए इसी एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ बहुत ईजी वे में समझ आएगा आपकी ग्लोबिन जीन है ठीक है ग्लोबिन जीन है क्या हुआ जीन डुप्लीकेशन इवेंट हुआ जीन डुप्लीकेशन इवेंट हुआ एक एल्फा चेन जीन बनी एक बीटा चेन जीन बनी ठीक है डुप्लीकेशन हुआ है मीन्स ग्लोबिन जीन का डुप्लीकेशन इवेंट हुआ एक अल्फा चेन बन गई एक बीटा चेन बन गई कोई दिक्कत नहीं अब ध्यान से सुनिएगा ये अल्फा चेन जीन अगर डिफरेंट स्पीसीज में गई है डुप्लीकेशन हुआ और अलग अलग स्पीसीज में गई है तो हम इसे बोलेंगे ऑर्थोलोग क्योंकि हमने क्या पढ़ा डुप्लीकेशन इवेंट हुआ एंड स्पीसीएशन स्पीशन स्पीसीएशन मीन्स अलग अलग स्पीसीज में गई है देखिए फ्रॉग में गई अल्फा चेंज एल्फा चेंजी एल्फा चेंज इन ह्यूमन में गई अल्फा चेंज इन एंड माउस में गई एल्फा चेंज इन ठीक है तो ये इस इवेंट को क्या बोलेंगे हम ऑर्थोलोगस वहीं पर पैरालॉगस क्या होता है ध्यान से सुनिएगा डुप्लीकेशन हुआ ठीक है और डाइवर्जेंस हुआ Means, माउस में अल्फा चेंज जीन है और माउस में बीटा चेंज जीन मीन्स एक ग्लोबिन जीन है माउस में ऐसा नहीं कि कोई स्पीसीज बदली सेम विद इन द सेम स्पीसी माउस में ही अल्फा चेंज जीन भी है और बीटा चेंज जीन भी है तो ये हुआ पैरालॉगस इवेंट क्या हुआ पैरालॉगस पैरालोगस का मतलब डुप्लीकेशन हुआ और डाइवर्जेंस हो गया ग्लोबिन जीन के दो हो गए अल्फा चेन जीन और बीटा चेन जीन तो उसे बोल रहे हैं पैरालोगस पैरालोगस विद इन द सेम स्पीशीज लेकिन ऑर्थोलोगस स्पीशीज बदल जाती है स्पीसिएशन इवेंट हो जाता है आई होप सो होमोलोगस में आपको पैरालोगस ऑर्थोलोगस होमोलोगस सब कुछ अच्छे से क्लियर हुआ होगा चलिए अब आगे चलते हैं अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि बहुत कम समझ आता है लोगों को चलिए समझते हैं कि सीक्वेंस होमोलॉजी वर्सेस सीक्वेंस सिमिलैरिटी का ये ग्राफ ठीक है ध्यान से सुनना देखो वाई एक्सेस पे क्या लिखा हुआ है सीक्वेंस आइडेंटिटी एक्स एक्सेस पे लिखा हुआ है सीक्वेंस लेंथ ध्यान से समझना मेरी बात को देखो अब मैंने कहा सीक्वेंस सिमिलैरिटी ठीक है अब हम से... मैंने कहा कि हम फोर्टी परसेंट जैसे सिक्वेंस सिमिलैरिटी आई फिफ्टी परसेंट आई मैं तो कितने बेसिस पे बोलूंगी कि मेरा ये सीक्वेंस जैसे मेरा ए सीक्वेंस है और मेरा बी सीक्वेंस ये दोनों आपस में होमोलॉगस हैं या नहीं फोर्टी परसेंट सिक्वेंस सिमिलैरिटी आई तो क्या मैं कह सकती हूँ ये आपस में होमोलॉगस हैं या फिफ्टी परसेंट आई तो क्या मैं कह सकती हूँ ये होमोलॉगस हैं ये दोनों सीक्वेंस तो मैं, तो मैं कितने परसेंटेज पर बोलूँगी ठीक है तो इसके लिए दो ध्यान सुनेगा इस चीज को सॉल्व करने के लिए डिपेंड करता है दो पैरामीटर फर्स्ट पैरामीटर है आपका किस टाइप का सीक्वेंस है फर्स्ट पैरामीटर क्या है ध्यान सुनिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट फर्स्ट पैरामीटर है कि किस टाइप का सीक्वेंस है टाइप ऑफ सीक्वेंस आइदर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है और प्रोटीन सीक्वेंस और सेकंड पैरामीटर है आपका सीक्वेंस लेंथ

एटलीस्ट ट्वेंटी चांसेस होंगे आइडेंटिकल होने के केन बाई फोर की अगर आप प्रोबेबिलिटी लगाएंगे कितने परसेंट चांसेज हो गए ट्वेंटी होने के कोई भी अनरिलेटेड सीक्वेंस के आइडेंटिकल होने के कितने परसेंट हैं ट्वेंटी वहीं पर अगर मैं प्रोटीन की बात करूँ तो हमारे अमाइनो एसिड्स कितने होते हैं ट्वेंटी वन बाई अगर ट्वेंटी आप करेंगे तो कितने परसेंट चांसेस होंगे सिर्फ और सिर्फ फाइव परसेंट अनिलेटेड सीक्वेंसेज के चांसेस होंगे कि वो फाइव परसेंट ही मैच कर पाए रेंडमली रेंडम चांस कितना होगा मैच करने का फाइव परसेंट लेकिन के के होगा, 25 कि वो रेंडम बात समझ आई मेरी फर्स्ट क्राइटेरिया होता कि है कि टाइप ऑफ सीक्वेंस सेकेंड है सीक्वेंस लेंथ ध्यान से सुनिएगा देखिए अगर कोई दो सीक्वेंसेस हैं ठीक अगर सीक्वेंसे है अगर शॉर्टर सीक्वेंसेस हैं ठीक है अगर कोई सीक्वेंस बहुत शॉर्टर है तो उसके हाई चांसेस होंगे कि वो रेंडमली जाके जैसे ये एक मेरा बड़ा सीक्वेंस है ए अब क्योंकि बी वाला सीक्वेंस मेरा छोटा है तो चांसेस होंगे कि जाके रेंडमली मैच कर जाए ठीक है या कोई बहुत दो लॉन्गर सिक्वेंसेज हैं तो भी उसका मैच होना रेंडमली बहुत कम है ठीक है तो दो क्राइटेरिया हैं जिस पर डिपेंड करता है टाइप ऑफ सीक्वेंस एंड सीक्वेंस लेंथ आई होप सो ये बात तो अच्छे से क्लियर हुई होगी ठीक है अब इस ग्राफ को समझो मेरे से ध्यान से देखो ध्यान से समझना एक होमोलॉजी रिलेशनशिप डिफाइन करने की कि मैं कितने परसेंटेज पे बताऊं कि मेरा होमोलॉगस है या नहीं तो होमोलॉजी रिलेशनशिप को पता करने के लिए ये ग्राफ से देखिए ध्यान से सुनेगा आप किसी भी दो प्रोटीन सीक्वेंसेज के एक होमोलॉजी रिलेशनशिप कैसे डिटरमाइन करेंगे सपोज कीजिए दो सीक्वेंसेस हैं फुल लेंथ के सीक्वेंसेस हैं सपोज कीजिए दो सीक्वेंसेस हैं क्या हैं फुल लेंथ के सीक्वेंसेस हैं हंड्रेड सपोज करके चलते हम हंड्रेड रेसिड्यू लॉन्ग हैं हंड्रेड रेसिडियो लॉन्ग हैं कितने हैं प्रोटीन सीक्वेंस हैं हंड्रेड रेसिड्यू लॉन्ग हैं इस तरीके से एक हंड्रेड का और दूसरा ठीक है अब इसके बेसिस पे हम कैसे बताएंगे होमोलॉजी रिलेशनशिप है या नहीं ध्यान से सुनना मेरी बात बहुत इजी वे में बता रही हूँ वो तो ये दो सिक्वेंसेज हैं ए सीक्वेंस एंड ये बी सीक्वेंस कितने कितने रेसिड्यू लॉन्ग है हंड्रेड हंड्रेड रेसिड्यू लॉन्ग है ठीक है फुल लेंथ है हंड्रेड हंड्रेड रेसिड्यू लॉन्ग है अब मैं इन दोनों में अगर चेक करूँ तो मैं कैसे ए और बी सीक्वेंस को देख के बताऊंगी कि ये होमोलॉगस हैं आइदर दी सिक्वेंसिस और नॉट ठीक है तो ध्यान से सुनना इसके लिए थ्री जोन्स बनाई गई सेफ जोन टू लाइट जोन एंड मिड नाइट जोन सेफ जोन क्या होती है अगर आपकी आइडेंटिटी ध्यान से सुनना मैं कौन सा वर्ड यूज कर रही हूँ आइडेंटिटी अगर आपकी आइडेंटिटी थर्टी परसेंट और उससे ज़्यादा होती है कुछ बुक्स में आपको ट्वेंटी फाइव परसेंट और हायर दिख जाएगी कुछ बुक्स में आपको थर्टी परसेंट दिख तो थर्टी परसेंट और उससे ज़्यादा अगर आपकी आइडेंटिटी है आइडेंटिटी क्या है थर्टी परसेंट और उससे ज्यादा है तो आप उस जोन को बोलेंगे सेफ जोन उस जोन को क्या कहेंगे आप सेफ जोन कहेंगे और आप कह सकते हैं कि वो जो सीक्वेंसेज हैं उनमें क्लोज होमोलॉजी है सेफ जोन है तो आप क्या कह सकते हैं वो जो दो सीक्वेंसेज उनमें क्या है क्लोज होमोलॉजी अगर आपकी आइडेंटिटी क्या है थर्टी परसेंट और उससे ज्यादा है ध्यान से सुनिएगा सेकेंड जोन इज ट्विलाइट जोन अगर आपका आइडेंटिटी लेवल ध्यान से सुनिएगा अगर आपका आइडेंटिटी लेवल ट्वेंटी टू थर्टी परसेंट कॉल कर रहा है अगर आपने आइडेंटिटी कैलकुलेट किया और आपका आइडेंटिटी लेवल ट्वेंटी टू थर्टी परसेंट के बीच में आ रहा है तो आप कहेंगे ये ट्विलाइट जोन है ये कैसा जोन है ट्विलाइट जोन है इसमें मैं स्पेशली नहीं बता सकता आइदर सिक्वेंसेज आर होमोलॉगस और नॉट इसके लिए मुझे फर्दर एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ या फर्दर स्टडीज़ करनी पड़ेंगी टूलाइट जोन में मैं नहीं बता सकता आइदर यह आपके होमोलॉगस है या नहीं या फिर आप कह सकते हैं आइदर इसमें रोमोट होमोलॉग्स होंगे जो कि रैंडमली रिलेटेड सिक्वेंसेज के साथ मिक्स होंगे मीन्स ट्यूलाइट जोन का आप इसी वे में समझिए कि हम नहीं बता सकते आइदर होमोलॉगस है या नहीं ठीक है देन थर्ड जोन आती है मिडनाइट जोन अगर आपका परसेंटेज आइडेंटिटी परसेंटेज ट्वेंटी परसेंट और उससे कम है तो आप कहेंगे आपका मिडनाइट जोन है और यहाँ पर आप कह सकते हैं जो आपके ये दो सीक्वेंसेस हैं ये क्या है नॉन होमोलॉगस है ये सीक्वेंसेस क्या है नॉन रिलेटेड सीक्वेंसेस हैं सीक्वेंसेस कैसे हैं नॉन रिलेटेड इट मीन दैट ये क्या है यहाँ पर नॉन होमोलॉगस है मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ ध्यान से सुनिएगा हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं हमारे दो सीक्वेंसेस हैं प्रोटीन सीक्वेंसेस हंड्रेड रेसिड्यू लॉन्ग हैं ठीक है थीके? लेंथ के हैं तो अगर मेरी आइडेंटिटी थर्टी परसेंट और उससे ज़्यादा आ रही है तो मैं कहूँगी वो सेफ जोन है इट मीन्स डैट उन दो सीक्वेंसेस में क्लोज होमोलॉजी होगी ठीक है अगर उन दो सीक्वेंसेस की आइडेंटिटी ट्वेंटी टू थर्टी परसेंट फॉल कर रही है तो मैं उस जोन को कहूँगी ट्विलाइट जोन और मैं यहाँ पर कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकती आइदर दीज आर होमोलॉगस और नॉन होमोलॉग अगर मेरी आइडेंटिटी मिड जोन में फॉल कर रही है इट मीन्स डेट आइदर आइडेंटिटी ट्वेंटी परसेंट और उससे कम है तो मैं कहूँगी कि दीज सीक्वेंसिस आर नॉन रिलेटेड सीख दीज आर नॉन रिलेटेड सीख आई होप सो गाइज आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा ठीक है अगर कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मैं क्लियर कर दूंगी अब फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं डीवीटी टू थाउजेंड फोर्टीन में क्वेश्चन आया है इन प्रोटीन सीक्वेंस एनालिसिस ट्विलाइट जोन रेफर्स टू evolutionary डिस्टेंस करस्पॉन्डिंग टू अबाउट ट्वीलाइट जोन ठीक है ट्विलाइट जोन का क्या बताया था ट्वेंटी परसेंट अब देखो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ये ऑप्शन थर्ड है इसीलिए इसी को हम करेक्ट करें. ठीक है नेक्स्ट DBT टू थाउजेंड एटीन में एक क्वेश्चन आया है एन अलाइनमेंट ऑफ टू प्रोटीन showing टूइंग एंड गैप्स इज is given ब्लू दस हमें क्या निकालना है सिमिलैरिटी स्कोर निकालना है ठीक है अब सिमिलैरि देखिए ध्यान से सुनिए सिमिलैरिटी में आपके आइडेंटिकल वाले अपने आप आ जाते हैं सिमिलैरिटी में क्या आ जाते हैं आइडेंटिकल वाले अपने आप आ जाते हैं तो देखिए कैसे निकालेंगे ये दोनों ए ए जी जी डेल्टा रिप्रेजेंट कर रहा है गैप को डेल्टा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है गैप को तो ये नहीं है ये नहीं है अगेन ये मैच कर रहा है ये मैच कर रहा है ये नहीं है अगेन यस दिस वन दिस वन दिस वन टोटल कितने हो गए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ठीक है सेवन मल्टीप्लाई बाय टू डिवाइडेड एल ए प्लस एल बी एल ए कितना एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस टेन प्लस टेन इंटू हंड्रेड तो कितना हो गया आपका फोर्टीन प्लस ट्वेंटी इंटू सेवेंटी परसेंटेज कहा गया सेवेंटी ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गेट टू थाउजेंड फोर्टीन में ये क्वेश्चन पूछा गया है द परसेंटेज सिमिलैरिटी एंड आइडेंटिटी रेस्पेक्टिवली बिटवीन द टू पेप्टाइड सिक्वेंस गिव इन ब्लो विल बी पहले आपको सिमिलैरिटी बतानी है देन आइडेंटिटी बतानी है तो देखिए मैंने बताया सिमिलैरिटी में तो आइडेंटिटी अपने आप आ जाएगी तो देखिए पहले हम आइडेंटिटी कैलकुलेट करते हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ नाइन है टोटल ठीक है टोटल कितने हैं नाइन ये होप से कोई और रह नहीं टोटल एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ ग्यारह बारह टोटल कितने हैं फिफ्टीन फिफ्टीन प्लस फिफ्टीन इन टू आप इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना आ रहा है ऑप्शन ठीक है अब ध्यान से देखना और हमें सिमिलरिटी कैलकुलेट करनी है तो आइडेंटिटिकल वाले तो आएंगे ही आएंगे अब देखो ध्यान से देंगे मैं कलर चेंज कर रही हूँ पेन का ठीक है अब मुझे बताओ आर्जिनिन और ग्लूटामेट क्या आएंगे आपस में आर्जिनिन और ग्लूटामेट ट्रिप्टोफेन और टायरोसिन आएंगे बिल्कुल नहीं आएंगे नहीं आएंगे क्योंकि ट्रिप्टोफेन क्या है ट्रिप्टोफेन आपका नॉन पोलर है टाइरोसिन क्या है पोलर ल्यूसिन आइसोल्यूसिन बिल्कुल आएंगे ल्यूसिन आइसोल्यूसिन बिल्कुल आएंगे ठीक है फ्यूरिनिन एंड सेन भी आएंगे क्योंकि पोलर हैं यस yes. आपका ये क्या, क्या आएंगे ये आपके सेरीन एंड आर्जिनिन नहीं ग्लूटामेट और एस्पार्टेट बिल्कुल आएंगे ठीक है आर्जिनिन और ग्लूटामेट बिल्कुल नहीं आएंगे टोटल कितने हो गए नाइन तो ऑलरेडी थे देखिए वन ल्यूसिन एंड आइसोल्यूसिन एंड 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 एस्पार्टेट नाइन और थ्री कितना हो गया ट्वेल्व इंटू टू डिड बाई फिफ्टीन प्लस इंटू हंड्रेड ट्वेल्व ट्वेंटी फोर डिवाइडेड बाई थर्टी हंड्रेड आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए एटी परसेंट क्या आंसर आएगा एटी कॉमा सिक्सटी एक और क्वेश्चन है गेट टू थाउजेंड थर्टीन का कैलकुलेट द परसेंटेज सीक्वेंस आइडेंटिटी और पीयर वाइज अलाइनमेंट इन ब्लू आइडेंटिटी निकालनी है जस्ट तो देखिए ई e एल -E एल 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 ओ कितने टोटल हो गए फोर इंटू टू टोटल लेंथ कितनी है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स प्लस सिक्स कितना हो गया एट प्लस फोर्टीन एट डिवाइडेड बाई तो सिक्स ट्वेल्व होता है फोर टू जाए थ्री ट्वेल्वी सिक्स आई होप आई होगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है देखिए आपके कमेंट में बताने से एक तो हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें हाँ पता लगता है कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं ठीक है तो अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझे ज्ञान वर्षा क्वेरी एट द रेट जी मेल डॉट कॉम पर मेल करके पूछ सकते हैं अदरवाइज हमें ज्ञान वर्षा टेलीग्राम चैनल पर भी आप पूछ सकते हैं और हमें मोर अपडेट्स के लिए हमें ज्वाइन कर सकते हैं ज्ञान वर्षा टेलीग्राम चैनल पर